महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने को लेकर भूपेंद्र यादव की फजीहत हो रही है। इधर मोदी और शाह का देवेंद्र फडणवीस के ऊपर प्रेम भी कई भाजपाइयों के गले नहीं उतर रहा है। हालांकि सत्ता अब महाराष्ट्र में बीजेपी के दरवाजे से वापस लौट चुकी है। कहते हैं अगर बहुमत ना हो तो सरकारें नहीं बनती। इस बात को महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं समझी, परंतु शिवसेना ने भली भांति समझ लिया। इसलिए शिवसेना ने कई मंत्रालयों के साथ साथ स्पीकर पद भी छोड़ दिया। बीजेपी अपनी जीत पर अड़ी रही तो वहीं शिवसेना इसी बीच कांग्रेस तथा एनसीपी से मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर फिक्रमंद दिखी, और ये उन्होंने सरकार बनाकर दिखा भी दिया। अब बीजेपी हाथ पे हाथ रखकर बैठ गई, सत्ता भी हाथ से चली गई। एक जीत जिसने बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने से रोक दिया। साफ सुथरी सरकार बनाने के बावजूद तथा ज्यादा सीटें आने के बावजूद भी वह सरकार बनाने से चूक गई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या महाराष्ट्र में बनी यह सरकार पूरी 5 साल चल पाएगी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।